तुमने कभी ये सोचा है कि आखिर सबसे पहला कांवरिया कौन था और जिसने सबसे पहले भगवान शिव का जला अभिषेक कर उनकी कृपा प्राप्त की थी और इस परंपरा का आरंभ कब हुआ था? सावन के महीने में शिव भक्त कांवर लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर जला अभिषेक करते हैं। सावन का महीना आते ही शिव भक्त भक्ति के रस में झूमने लगते हैं। सावन का पूरा महीना शिव भक्तों के लिए एक त्योहार के जैसा ही होता है। अब दोस्तों, सावन के महीने का आनंद क्या होता है वो तो एक शिव भक्त ही समझ सकता है। इस सावन त्योहार में पूरे भारत से कांवरिये शिव जी के पवित्र धर्मों पर जाते हैं तथा वहाँ से गंगा जल लाकर शिव जी का जला अभिषेक करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि पहला कांवरिया कौन था और कांवर लाने की क्या नियम होते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब करते हैं ज्ञान की बात है। दोस्तों, अगर कांवर लेने के नियम की बात करें तो कांवरियों को नंगे पैर बहुत दूर चलकर गंगा जल लाना होता है तथा शर्त ये होती है कि कांवरिये शिव कांवर को जमीन पर नहीं रख सकते। इस प्रकार शिव भक्त अनेक कठिनाइयों का सामना करके गंगा जल लाते हैं और उससे शिव जी का जला अभिषेक करते हैं। अब दोस्तों, पहले कांवरिये की बात करें तो इसको लेकर कई सारी मान्यताएं हैं। तो दोस्तों, पहली मान्यता ये है कि रावण लाया था सबसे पहला कांवर। पुराणों के अनुसार कांवर यात्रा की परंपरा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन में निकली विष को पीने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और वो नीलकंठ कहलाए, परंतु विष के नकारात्मक भावनाओं ने शिव जी को घेर लिया। शिव जी को नकारात्मक विष के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए उनके अनन्य भक्त रावण ने ध्यान दिया। उसके बाद कांवर में जल भरकर रावण ने पूरा शिव जी मंदिर में शिव जी का जला अभिषेक किया। इससे शिव जी नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हुए और वहीं से कांवर यात्रा का परंपरा आरंभ हुआ। दूसरी मान्यता है कि परशुराम जी लाए थे पहला कांवर। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पूरा महादेव का कांवर से गंगा जल लाकर जला अभिषेक किया था। परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग का जला अभिषेक करने के लिए गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जल लाए थे। आज भी इस परंपरा का मान रखते हुए सावन के महीने में गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जल लाकर लाखों लोग पूरा महादेव का जला अभिषेक करते हैं। दोस्तों, गढ़ मुक्तेश्वर का वर्तमान नाम ब्रिज घाट है। तीसरी मान्यता है कि सरोवर कुमार थे पहले कांवरिये। दोस्तों, वही कुछ विद्वानों का कहना है कि सर्वप्रथम त्रेता युग में सरोवर कुमार ने पहली बार कांवर यात्रा शुरू की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में सरोवर कुमार हिमाचल से पूना क्षेत्र में थे। वहाँ उनके अंधे माता पिता ने उनसे हरिद्वार में गंगा स्नान करने का इच्छा प्रकट की। माता पिता के इस इच्छा को पूरा करने के लिए सरोवर कुमार अपने माता पिता को कांवर में बैठा कर हरिद्वार लाए और उन्हें गंगा स्नान कराया। वापसी में वे अपने साथ गंगा जल भी ले गए। इससे ही कांवर यात्रा का शुरुआत माना जाता है। चौथी मान्यता ये है कि भगवान राम ने की थी कांवर यात्रा की शुरुआत। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम पहले कांवरिये थे जिन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कांवर में जल भर कर बाबा धाम में शिवलिंग का जला अभिषेक किया था। पांचवी मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन से निकली हलाहल के प्रभाव को दूर करने के लिए देवताओं ने शिव जी पर पवित्र नदियों का शीतल जल चढ़ाया था। सभी देवता शिव जी पर गंगा से जल लाकर अर्पित करने लगे। सावन माह में कांवर यात्रा का प्रारंभ यही से हुआ। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है, सबसे पहला कांवरिया कौन था और क्या आपने कभी कांवर यात्रा की है? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो हमेशा मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।